हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डेली के काम को आसान करने के लिए मैं लेकर के आई हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टिप्स कौन सी है वो देख लेते हैं। अक्सर हम घरों में इस तरह के बैंगन का भरता बनाते तो हैं, इसे चूल्हे पर या तो फिर गैस पर रख देते हैं और सेक देते हैं। इससे क्या होता है ना, कभी कभी वो खराब निकलता है। पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर हमें पता चले कि ये खराब है तो गैस की भी बर्बादी होती है, मेहनत की भी बर्बादी होती है और हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस बड़े बैंगन को थोड़ा सा कट लगा करके अंदर की तरफ चेक करना है। चारों तरफ से दो चार कट तो जरूर लगाइए ताकि हमें पता चले ये अंदर की तरफ कैसा है। अगर आपको इसे जल्दी भूनना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए। इससे ना ये बहुत ही जल्दी भून जाता है, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इसे पूरा का पूरा काटोगे ना तो इसे भूनने में बहुत ही दिक्कत होती है। इस ट्रिक से हमारे टाइम और गैस की बचत हो सकती है। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स है, जब भी हम हेयर डाई करते हैं हमारे हाथ काले हो जाते हैं। कितना भी हम हाथ में हैंड ग्लव्स पहने या फिर पॉलिथीन लगा लें, फिर भी थोड़े बहुत तो नाखून की तरफ कालिक हो ही जाती है। अगर आपको भी ये दिक्कत होती है तो आपको ये ट्रिक जरूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कालापन हो जाता है ना हाथों में, ये तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है और ये बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। तो हमें क्या करना है ना कि हमारे घरों में वैसलीन तो होता ही है, वैसलीन को लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा लीजिएगा और इसे अपने हाथों में चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना कि हमारे जो डाई है ना वो बिल्कुल भी हाथों पर नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी ना तो वो निशान नहीं छोड़ेगा। जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आजमाया हुआ और सटीक तरीका है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाते रहती हूँ। हमारी अगली टिप्स है, अक्सर जब हम चावल लाते हैं ना तो बहुत ज्यादा अगर चावल ला के रखो ना तो इसमें बहुत ही जल्दी कीड़े हो जाते हैं और जाले से पड़ने लगते हैं। पर अगर देखा जाए तो चावल तो हमें ज्यादा चाहिए ही होता है, डेली बनता है। इसे अगर आप अच्छे से स्टोर करोगे ना तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, मतलब सालों साल आपका चावल चलने वाला है। यहाँ पर आपको इसके अंदर डालना है थोड़ा सा नमक, चावल कम या ज्यादा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर नमक डाल दीजिए। अगर बहुत ज्यादा चावल है ना तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा नमक भी डालना पड़ेगा। पूरी बोरी बोरी भर के भी अगर इस तरीके से चावल आप रखोगे ना तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, जरूर ट्राई कीजिए। बहुत बार मैं इस तरीके से चावल को अच्छे से रख पाती हूँ, बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं होते हैं। कीड़े होने के बाद इसको साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर हमें टाइम की बचत करनी है तो इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना होगा। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स है, जब भी हम इस तरीके का रस्क, खारी या बिस्किट, क्रिस्पी चीजें जो होती है ना उसे हम बंद डिब्बे में रखते हैं तो भी इसमें नमी सी होने लगती है, नम सी पड़ जाती है ना, तो इसे खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। इसको आपको अगर इसे सही से रखना है तो आप क्या कीजिए ना, आप पेपर का यूज कीजिए, आप चाहे तो टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। बस हमें पेपर लेना है और इसे फोल्ड करके अंदर डाल देना है, तब जाकर के इसके ऊपर हम लगाएंगे इसका पूरा ढक्कन। अब आप देखोगे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बहुत दिनों तक चलता है, साथ ही में क्रिस्पी भी रहेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हमारी नेक्स्ट टिप्स है, अक्सर हम कुछ चीजों को खराब समझकर फेंक देते हैं पर वो असल में हमारे लिए बहुत ही काम की हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लिया है, जो यूज एंड थ्रो के हमारे पास डब्बे आते हैं ना, कभी कभार वो हल्के होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, उस तरीके से इसका जो ढक्कन बच जाता है ना उसका यूज हम कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। उसमें से एक जगह मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको और भी कहीं जगह पे करना है तो कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है, हमारे घर में जो इंडोर प्लांट होते हैं ना तो
तो आप देखोगे जहाँ पर हम रखते हैं ना, वहाँ पर निशान सा हो जाता है, फर्श पे पीलापन आ जाता है या फिर मिट्टी गिरती रहती है, तो इसे साफ करने में ज्यादा टाइम भी चला जाता है। इसके नीचे अगर आप इस तरीके से ढक्कन को रख देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, फर्श पे भी निशान नहीं पड़ेगा। पानी भी डालोगे ना तो ये ढक्कन में ही जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो ढक्कन में रह जाएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारी अगली टिप्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है, वो है रोटी बनाने को लेकर के। अक्सर हमने देखा है रोटी बनाना मतलब बेलना होगा, उसका आटा गूंथना होगा, तो ये सारा झंझट अब आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं एक न्यू ट्रिक लाई हूँ जिससे कि आपका ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा सा हमें इसमें डालना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी इसमें डालना है। पानी ना आप इसमें धीरे धीरे डालें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे करते हुए पानी डाल दीजिए, फिर अच्छे से हमारा ये बैटर बन जाएगा। मुझे यकीन है आपने इससे पहले ऐसी रोटी कहीं नहीं देखी होगी। एक तो पूरा पतला बनता है, फूलती भी है, सॉफ्ट भी है। कई बार हमारे हाथों में दिक्कत हो जाती है, आटा हम नहीं गूंथ पाते हैं, या फिर कहीं बाहर जाओ तो हमारे घर में जो भी जेंट्स होते हैं उनको रोटी बनाना मतलब बहुत ही झंझट वाला काम लगता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बस इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक तवा लेना है और इसे हल्का गर्म करना है। उसके बाद इसमें हम हल्का ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद आपको जो भी बैटर डालना है ना, इस तरीके से आप ले लीजिए, उसे तवे पर डाल दीजिए। आपको जितनी बड़ी छोटी बनानी है ना, उस हिसाब से आप बैटर डालिए। आपको बड़ी बनानी है तो ज्यादा बैटर डालिए, छोटी बनानी है तो कम बैटर डालिए। गैस को मीडियम रखना है। इस ट्रिक से बहुत सारी रोटियां हम कम टाइम में बना सकते हैं। बस अब यहाँ पर हमें जो रोटी है ना, उसके ऊपर का जो गीला हिस्सा है ना, उसे हमें सूखने देना है। वो तो तुरंत सूख जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरा सूखने के बाद इसे पलटने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके जो किनारे हैं ना, खुद ब खुद ऊपर उठने लगेंगे, तब जा करके हम इसे पलट देंगे। बहुत लोगों को रोटी बनाना मतलब झंझट का काम लगता है, क्योंकि उसमें आटा गूंथना होता है, रोटी को बेलना होता है, इन सब में हाथ भी खराब हो जाता है, बर्तन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब झंझट करने से अच्छा है आप इस तरीके से रोटी बनाइए, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैंने इसे पलट दिया है। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आ सकूं। यहाँ पर देखिए रोटी हमारी फूलना शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छे से फूल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जब फूलती है ना तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और पतली तो होती ही है ये। इसका एक और खासियत है ना कि ये बहुत ही लंबे टाइम तक सॉफ्ट बना हुआ रहता है, क्योंकि आप देखे होंगे नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं ना, बहुत जल्दी कड़क सी हो जाती है, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं होगी। इस तरीके से आप डेली रोटी बना सकते हो। अगर नहीं बनानी है तो इमरजेंसी में तो ये जरूरी आपके काम आने वाली है, क्योंकि देखिए आपके साथ भी ये बहुत बार दिक्कत हुआ होगा, हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर हम खाना कैसे बनाएं, या फिर हमें कहीं बाहर जाना है छुट्टियों पर, घर में जो लोग होते हैं वो रोटियां नहीं बना पाते हैं, तो उस टाइम में आपको ये जरूर काम आएगा। जरूर ट्राई कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इससे हेल्प मिले। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लिया है। प्याज काटना मतलब हमारे आंखों में बहुत सारा पानी का आना, पर आज के बाद आप लोगों की ये दिक्कत दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना, जिससे कि आप प्याज काटते हुए बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, मतलब आपके आंखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा प्याज का छिलका उतार दिया है। पहले हमें क्या करना है ना, प्याज का अच्छे से पूरा छिलका उतारना है। जितना भी आपको प्याज यूज करना है ना, उसका पूरा का छिलका उतार लीजिए। बाद हम क्या करते हैं ना, उसे काटना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर हमें पानी लेना है, और पानी के अंदर ना हमने जो प्याज है ना, जिसका छिलका उतारा है, उसे डाल देना है।
जितना भी है ना उतना डाल दीजिए, एक एक करके इस तरीके से पानी में से उठाइए, जितना काटना है उतना काट लीजिए, बाकी सब तुरंत पानी में डाल दीजिए। इससे ना आपके आंखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक अच्छी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।